क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। केंद्रीय मंत्री के काफिले की पलटी गाड़ी, हादसे में कई पुलिसकर्मी हुए घायल। हिंद मेडिकल स्टोर पर हुई फायरिंग, मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने किया खोखा बरामद। ट्रेन की बोगी में मिला अज्ञात युवक का शव, पुलिस जुटी मामले की जांच में। चोरों के हौसले हुए बुलंद, कटर मशीन से तोड़ा दुकान का ताला। युवा नेता मयूर सेन यादव ने किया कंबल का वितरण, गरीब व असहायों को बांटे कंबल। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर बक्सर से है, जहां केंद्रीय मंत्री सह बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे के वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कारकेड में मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन से शीशा तोड़कर पुलिसकर्मियों को निकालना पड़ा, जिसके बाद आनन फानन में उनको अस्पताल ले जाया गया। बता दें, इस मामले में पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार को मौके पर सूचना दी गई। पुलिसकर्मियों में वाहन चालक समेत कुल 5 पुलिसकर्मी शामिल हैं, जिसमें एक महिला सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। घायलों में से 2 को गंभीर चोट लगी है, जिसके कारण उन्हें पटना एम्स रेफर किया जा रहा है। वहीं मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री ने सभी घायलों से मुलाकात की और उनके इलाज के संदर्भ में चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खबर मोतिहारी से है, जहां जिला पार्षद रूबी देवी के पति रमेश सिंह को बिना किसी ठोस वजह की गिरफ्तारी के बाद उनकी बेवजह पिटाई कर दी गई और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसमें उन्हें प्रताड़ित भी किया गया। और जब इस बात का खुलासा किया गया तो पुलिस मीडिया के सवालों से बचने के लिए भागती हुई नजर आई। वहीं इस संबंध में पार्षद रूबी देवी के गिरफ्तार पति और पूर्व राजद नेता रमेश सिंह ने बताया कि उनके ऊपर सरकारी कार्य में बाधा डालने का एक झूठा केस दर्ज हुआ था, जिसके आलोक में कल उन्हें आदापुर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया और मोतिहारी के अनुसूचित जाति जनजाति थाने में बंद कर दिया। आदापुर थाना के द्वारा एक निजी नंबर गाड़ी से हमको गिरफ्तार किया गया, आदापुर थाना कांड संख्या 265/2022 में, और गिरफ्तार करके सीधे यहां पर लाया गया। कौन सा गिरफ्तार किया? आदापुर थाना के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कहां लाया गया? मोतिहारी लाया गया। बीच में हम रास्ते में कहते रह गए जो हम दवा खाते हैं, दवा हमको ज़रूरी है, हमारे घर पर खबर कर दीजिए, दवा मंगाना है, लेकिन किसी ने कोई नहीं सुना। और 353 का मुकदमा है, हमने वहाँ आग्रह किया, फिर भी हमको यहाँ लाया गया। लाने के उपरांत जब हाजत में बंद किया गया तो बंद करने के 10 मिनट के बाद बंजरिया थाना अध्यक्ष जी आए, संदीप कुमार जी, और आने के आते खुलवा करके हाजत से हमको लाया गया बाहर ग्राउंड में, और बहुत ही अपशब्द गालियाँ दी गई। गालियाँ देने के बाद
उन्होंने कहा कि इसको ले चलो, हमारे बगल में डेरा है, 100 डांटा मारो। सहरसा में मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों लोगों के बीच खिचड़ी का प्रसाद का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम शहर के थाना चौक स्थित दुर्गा मंदिर गेट पर किया गया, जिसका आयोजन सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के द्वारा पिछले कई सालों से किया जा रहा है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति पर्व को लेकर जहाँ एक तरफ धूम मची हुई है, वहीं कई जगह पर महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के द्वारा थाना चौक पे खिचड़ी भंडारे का आयोजन किया गया है। सभी जनमानस से अपील है जो यहाँ आके माता रानी का प्रसाद ग्रहण करें, और मैं एक समाजसेवी होने के नाते मैं भी इस कार्यक्रम में बच्चर के हिस्सा ले रहा हूँ, सभी का सहयोग कर रहा हूँ। 10 वर्षों से कंटिन्यू सार्वजनिक दुर्गा स्थान थाना रोड की तरफ से चलते आ रहा है। इस बार बढ़ करके भाई अभिषेक वर्मा जी समाजसेवी साल ये है, मैं इनके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ कि आगे भी इसी तरह अपना सहयोग प्रदान करते रहे। मधुबनी जिले के जयनगर रेलवे स्टेशन पर रविवार की देर रात मनहानी में जयनगर की ओर से जाने वाली ट्रेन जानकी एक्सप्रेस ट्रेन के एक बोगी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसके बाद इस बात की जानकारी यात्रियों ने पुलिस कर्मियों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। अज्ञात है अभी? हाँ, अज्ञात है। ट्रेन में मिला हुआ था? खबर भागलपुर से है, जहां ठंड बढ़ते ही शहर में चोरी लूटपाट और हत्या जैसी घटनाओं के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर बीआरसी के पंजाब नेशनल बैंक के पास आधी रात बीतने के बाद चोरों ने कटर मशीन से ज्वेलरी की दुकान का पहला ताला तोड़ दिया। उसके बाद जैसे ही दूसरा ताला तोड़ने की कोशिश की, तब तक आवाज सुनकर लोग पहुंच गए, जिसे देख चोर मौके से फरार हो गए। बता दें पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। दुकान का ताला तोड़ दिया। किस चीज का दुकान है? किस चीज का? हाँ, कटर लेके कटा हुआ है, लाइट वाला कटर था। किस चीज का दुकान है? सोना दुकान है। कहाँ पे? नूरपुर पंजाब नेशनल बैंक के पास। बढ़ती ठंड को देखते हुए रामनगर युवा की आवाज ग्रुप के सदस्यों ने सौजन्य से जरूरतमंद असहाय गरीब लोगों के सहायता लेकर युवा नेता मयूर सेन यादव ने युवाओं को एकजुट कर गरीबों व असहायों को कंबल वितरण किया। बता दें कि युवा नेता मयूर सेन यादव ने अपना मोर्चा संभाला और कहा कि लोगों को कड़ाके की ठंड में राहत मिल सके, लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। ठंड को देखते हुए रामनगर युवा की आवाज़ ग्रुप के सौजन्य से लगातार इधर कड़ाके की ठंड पड़ रही है और युवा की ग्रुप हमारे तरफ से कंबल वितरण किया जा रहा है। असहाय गरीब, जरूरतमंद, विकलांग, भगत सिंह चौक, अंबेडकर चौक, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल रोड, शिव मंदिर, लगातार जहाँ जहाँ उस टाइप के जरूरतमंद असहाय लोगों को लग रहा है कि उसको कंबल देना जरूरी है, उसके बीचों में हमारे राम और युवा की आवाज़ के तरफ से कंबल वितरण किया जा रहा है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक
जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ देश की संस्कृति को बयां करते हैं हस्तशिल्प उत्पाद। आइए इसी हस्तशिल्प कारीगरी से घर लाए हम खुशियों की सौगात। आ गया है लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव 24 जनवरी से 7 फरवरी, जहां होंगे 28 राज्यों के हस्तशिल्प उत्पाद और प्रतिदिन भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। देश की संस्कृति से रंगे अपना जीवन। आइए लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव, काशीराम सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल, बंगला बाजार, आशियाना। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर सहरसा से है, जहां गृह मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार राज्य गृह मंत्रालय के निर्देश पर जिले के कई थाने में अलग से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई और इसको लेकर महिला हेल्प डेस्क में कार्यरत महिला पुलिस पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष को सहरसा पुलिस लाइन केंद्र में प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि सहरसा जिला में कुल 10 थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का आदेश प्राप्त हुआ था। उक्त आदेश के आलोक में सभी 10 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई और इसको लेकर महिला हेल्प डेस्क में कार्यरत 30 महिला पुलिस कर्मियों और थाना अध्यक्षों को प्रशिक्षण भी दिया गया। गृह मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार राज्य गृह मंत्रालय की तरफ से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। महिला हेल्प डेस्क में महिला संबंधित जो अपराध होता है या जो ऑफेंसेस होते हैं उसके लिए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 10 थाने हैं जहाँ पर महिला हेल्प डेस्क स्थापित है और मुख्यतः जो ये थाने ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्र के थाने हैं, एक दो ग्रामीण क्षेत्र के भी थाने हैं वहाँ पर है। उनका मुख्य काम ये है कि महिला से संबंधित जो ऑफेंसेज या अपराध होते हैं उनके मामले में जो हेल्प डेस्क की कर्मी होती है वो महिला लेडी ऑफिसर्स ही हैं। वो लोग उन मामलों को लेती हैं, उनके आवेदन को, या वो शारीरिक रूप से उपस्थित होती है तो उनके मामलों को लेती है, उनसे डिस्कस करती है और आवश्यक अगर वैधानिक कार्रवाई आवश्यक हुई तो आवश्यक कार्रवाई की जाती है। खबर भागलपुर से है, जहां शराबबंदी के बावजूद भी लगातार शराब मिलने का दौर जारी है। बता दें देर रात औद्योगिक थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बाईपास पर सघन जांच अभियान चलाया और इस दौरान पुलिस ने सेंटरो कार और को रोका। वहीं कार चालक पुलिस को देखते ही मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कार की तलाशी ली जिसमें 132 लीटर विदेशी शराब पुलिस ने बरामद किया। खबर सुल्तानगंज से है, जहां थाना परिसर में उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में शराब विनिष्टीकरण किया। वहीं इस दौरान उत्पाद विभाग के पदाधिकारी चंदन कुमार ने बताया कि भारी मात्रा में जेसीबी द्वारा शराब को नष्ट किया गया। बता दें इस दौरान अचल इंस्पेक्टर रतन लाल ठाकुर और अचल के आरओ रवि कुमार के साथ कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इसमें मुख्य रूप से सुल्तानगंज का है, जिनका लगभग 1400 लीटर विदेशी शराब और लगभग 123 लीटर देसी शराब का, इसके साथ ही साकुंडी के 11 मामलों में 74 लीटर देसी शराब, अकबर नगर के 3 मामलों में 85 लीटर विदेशी शराब एवं 18 लीटर देसी शराब और सजौर के 3 मामलों में 20 लीटर विदेशी शराब का नष्टीकरण किया जा रहा है। जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने नालंदा के हिलसा विधानसभा में नए व पुराने कार्यकर्ताओं के बीच दान व धर्म के पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर चूड़ा दही भोज का आयोजन किया।
इस मौके पर हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्तागण शामिल हुए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस को लेकर की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उन्होंने कहा कि एक शिक्षा मंत्री के मुख से किसी भी धर्म ग्रंथ पर टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। जो आज प्रदेश में एक मुद्दा बन चुका है, हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री के मुख से रामचरितमानस पर गलत टिप्पणी देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमारा देश विविधताओं में एकता का देश है। यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, ग्रंथ अलग अलग हैं और किसी भी धर्म और ग्रंथ पर टिप्पणी करना भी शिक्षा मंत्री को ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि हमारे राज्य में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग किताबें हैं। आप किसी खास धर्म के बारे में टिप्पणी कीजिएगा वो भी शिक्षा मंत्री होते हुए, तो इसका हम लोग भी विरोध करते हैं। नालंदा पुलिस ने दो सड़क लुटेरों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें, राजगीर डीएसपी प्रदीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर इसकी जानकारी दी। वहीं इस मामले में डीएसपी ने बताया कि नालंदा थाना क्षेत्र के ताजू बिघा तीन मुहानी के समीप स्कूल से लौट रहे लोदीपुर गाँव के एक कर्मी को चार सड़क लुटेरे ने उनकी बाइक, मोबाइल और कुछ नकद लूट वहां से फरार हो गया था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नालंदा के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।